देखिए फैक्ट्री में पटाखे कैसे बनते हैं। पटाखे बनाने के लिए प्रमुख रसायन शोरा का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम पोटासियम नाइट्रेट भी कहते हैं। इसके अंदर नमक का खार होता है। आजकल यह सोडियम नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड से बनाया जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार बारूद एक ऐसी चीज है जो कि ऑक्सीजन के साथ जल सकती है। कोयले के चूर्ण को जलाने के लिए ऑक्सीजन शोरा से मिलती है। इन सभी को गत्ते का एक पाइप जैसा होल में भर दिया जाता है और उसके साथ एक कागज में लपेटी बारूद का धागा लगाया जाता है, जिसमें आग लगाई जाती है। किसी भी पटाखे में रोशनी आवाज के लिए अलग अलग तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। केमिकल्स का मिश्रण ही रोशनी का रंग तय करते हैं। जिस पटाखे में हरे रंग की रोशनी निकलती है, उसमें बेरियम नाइट्रेट का इस्तेमाल होता है। ये एक विस्फोटक पदार्थ होता है और इसे बारूद के साथ मिलाया जाता है। जब पटाखे में आग लगाई जाती है तो ये हरा रंग देता है। पटाखे में लाल रंग की रोशनी के लिए सीजियम नाइट्रेट का इस्तेमाल होता है। इसे बारूद के साथ मिलाने पर पटाखे में लाल रंग की रोशनी निकलती है। पीले रंग के सोडियम नाइट्रेट को बारूद के साथ मिलाया जाता है। इसमें नाइट्रेट की मात्रा बढ़ाने पर मिश्रण का रंग गाढ़ा पीला हो जाता है। इसमें से जलाने पर इसमें से पीला रंग निकलता है। इसका इस्तेमाल अधिकांश पटाखों में किया जाता है। चक्री में इसका खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। पटाखा फैक्ट्री में होती है बिजली के इस्तेमाल पर पाबंदी। जिस जगह भी पटाखे की फैक्ट्री लगाई जाती है, वह कुछ दिशा निर्देशों का पालन करना होता है। दिशा निर्देश अनुसार फैक्ट्री में बिजली का कनेक्शन नहीं दिया जाता, क्योंकि शॉर्ट सर्किट का खतरा होता है। पटाखे बनाने वाली जगह दो तरफ से खुली होती है, ताकि पटाखे बनाते वक्त पर्याप्त रोशनी हो। और दो तरफ से इसलिए खुला होता है क्योंकि किसी भी हादसे के दौरान वहां काम कर रहे श्रमिक का निकलना आसान हो। कई चरणों से गुजरने के बाद पटाखे बनते हैं। अलग अलग चरण में पटाखे बनाने के पीछे का कारण यह है कि दुर्घटना के दौरान कारोबारी को कम से कम नुकसान हो। पटाखे होते हैं दो तरह के। नंबर वन, साउंड क्रैकर। ये पटाखे तेज धमाके की आवाज के साथ फूटते हैं। कागज और अन्य सामान के साथ पोटेशियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम पाउडर और सल्फर का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर दो, एरियल क्रैकर। ये पटाखे ऊपर हवा में जाकर फूटते हैं, जैसे कि रॉकेट और स्काई शॉट्स। इसमें गन पाउडर डाल जाता है ताकि झटका लगते ही हवा में जाके फूट जाएं। शिवकाशी में सबसे ज्यादा पटाखे बनाए जाते हैं। इसका मुख्य कारण है मौसम। पटाखे बनाने के लिए सूखे मौसम की आवश्यकता होती है। मौसम में नमी के कारण पटाखों में सीलन आ जाती है। शिवकाशी में देश के अन्य हिस्सों की तुलना में दीपावली से पहले सूखा होता है। दिवाली तक उत्तर पूर्वी इलाकों में मानसून पहुंच जाता है। इस वक्त तक पटाखे पूरे देश में भेजे जा चुके होते हैं। कैसे तय होता है पटाखा कितने ऊपर जाएगा? गन पाउडर की मात्रा से पता लगा जाता है कि रॉकेट कितना ऊपर जाएगा। रॉकेट की लंबाई के मुताबिक गन पाउडर मिक्स किया जाता है। 6 इंच के रॉकेट के लिए 2 ग्राम गन पाउडर की आवश्यकता होती है। इसके बाद जितने साइज का रॉकेट तैयार करना हो, उसके मुताबिक गन पाउडर डाला जाता है। 2 ग्राम गन पाउडर को बारूद में मिलाया जाता है। मिश्रण को ठोस बनाकर रॉकेट में भरा जाता है। उसके बाद इसमें एक सूतली डाली जाती है। बारूद गन पाउडर पर आग लगते ही झटका लगता है और रॉकेट हवा में जाकर फट जाता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।